यूक्रेन जंग के बाद पहली बार चीन और रूस ने साझा हवाई अभ्यास किया। चीन और रूस की दोस्ती के बारे में सबको पता है। यूक्रेन युद्ध के बाद तो ये दोस्ती और पक्की हो गई, क्योंकि अमेरिका के लाख धमकाने के बावजूद शी जिनपिंग ने पुतिन का साथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, बाइडेन को जलाने के लिए दोनों देशों ने एक साथ हवाई अभ्यास तक कर डाला। रूस और चीन के दो दो लड़ाकू विमान एशिया पैसिफिक रीजन में एक साथ हवा में उड़े, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। कहा तो ये जा रहा है कि इस अभ्यास का समय सोच समझ कर तय किया गया, क्योंकि एक ओर जापान के टोक्यो में क्वाड के चार सदस्य जुटे तो दूसरी ओर एशिया पैसिफिक रीजन के आसमान में चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। मतलब ये कि इस अभ्यास की टाइमिंग क्वाड को परेशान करने वाली थी, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन और रूस ने ऐसा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया। क्वाड में शामिल ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे और समंदर में ड्रैगन की चालों को नाकाम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी चीन और रूस ने नहले पर दहला दे मारा और आसमान में अपना दम दिखा दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन और रूस ने ऐसा अभियान एक साथ किया है। इससे पहले 2019, 2020 और 2021 में भी उनके विमानों ने एक साथ लंबी दूरी की उड़ानें भरी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि अब तक ये अभ्यास वो साल के दूसरे हिस्से में, यानी कि जून के बाद करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साल के शुरुआती महीनों में ये किया, वो भी तब जब बाइडेन की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एशिया की पहली यात्रा थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर क्वाड सम्मेलन के दौरान अभ्यास किया, वो भी अमेरिका के जानी दुश्मन रूस के साथ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में उड़ान भरते हुए रूस और चीन के लड़ाकू विमान जापान की वायुसीमा के करीब तक चले गए। जापान ने तो इसे रूस और चीन की उकसाने वाली हरकत तक बोल दिया, क्योंकि उसका कहना है कि चीन और रूस की इस एयर ड्रिल से माहौल और खराब हो गया। चीन पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो इस इलाके में जमीन से आसमान तक अशांति फैलाने की चालें चलता रहता है। यूक्रेन जंग के बाद तो चीन ने समंदर में शांति भंग करने की पूरी तैयारी ही कर ली, और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसके लड़ाकू विमान उड़ते उड़ते जापान सागर तक पहुंच गए, जिस पर जापान आग बबूला हो गया। वो पहले से ही कहता रहा है कि चीन की नजर उसके कई द्वीपों पर है। चीन का मानना है कि दक्षिण चीन सागर का जितना विवादास्पद क्षेत्र है वो उसका हिस्सा है। इसी वजह से चीन और रूस के साझा अभ्यास ने जापान को परेशान कर दिया। हालांकि रूस की ओर से ये साफ कर दिया गया कि ये साझा अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हुआ। लेकिन न जापान और न ही अमेरिका रूस की बात मान रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका ने वैसे ही रूस से हर मोर्चे पर दुश्मनी निभाने की कसम खा ली है। क्वाड के जरिए भी वो पुतिन को पस्त करने की ही प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से। उधर यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज करने के लिए फ्रांस से मिली घातक तोपों को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिनकी मदद से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना पर किए गए हमले का एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें जेलेंस्की के सैनिक फ्रांस की घातक सीजर होविट्जर को हमले के लिए सही पोजीशन पर ले जाते दिखे। इसके बाद उन्होंने तोप में गोले लोड किए और फिर दुश्मन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई गोले दागे और इन हमलों में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया। इन तोपों के जंग के मैदान में उतरने के बाद रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि फ्रांस ने यूक्रेन को 12 सीजर होविट्जर मदद के तौर पर दी हैं, जिन्हें साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था। और ये तोप एक मिनट में 6 गोले दाग सकती हैं, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु मिसाइल ड्रिल से दुनिया सहम गई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने इसे चंद मिनटों में अपने दुश्मनों को तबाह करने की रूस की रिहर्सल बता दिया, ताकि यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके। और दावा किया गया कि घातक परमाणु मिसाइलों की यह ड्रिल रूस के इवानवा इलाके में की गई, जिसका एक वीडियो ब्रिटेन के अखबार द सन ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना एक जंगल के बीच से हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाती दिखाई दी। दावा है कि इस ड्रिल में रूस ने यार्स और तोपल एम जैसी खौफनाक मिसाइलों की ताकत को भी आजमाया, जो आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। और ये पुतिन के तर्कश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल हैं, जिनका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि रूस का दावा है कि उनकी इन मिसाइलों को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। और इनमें यार्स तो बेहद घातक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है।
यही नहीं, इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। और तो और, ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है। इस परमाणु मिसाइल ड्रिल की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि इस ड्रिल से कुछ दिन पहले ही उसने परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सरमात का टेस्ट भी किया था। और करीब 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची इस मिसाइल की रेंज में भी दुनिया का हर कोना है। ये इतनी घातक है कि अमेरिका ने उसे शैतान नाम दिया है। और अब तो पुतिन के करीबी और रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने जल्द ही 50 सरमात मिसाइलों को दुश्मन पर वार करने के लिए तैनात करने का दावा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका और नेटो को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सरमात मिसाइल चल गई तो एक बड़े महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है, और ब्रिटेन जैसे देश का तो एक ही वार में दुनिया के नक्शे से नामोनिशान मिटा सकती है। खबर है कि रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन की जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरव को हार का डर सताने लगा है। पुतिन के वफादार माने जाने वाले रमजान कादिरव ने उनके एक इशारे पर जंग शुरू होते ही अपने लड़ाकों को मैदान में उतार दिया था। और उन्होंने कई बार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि उनके लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं। इसके लिए कादिरव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिनमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। और ऐसे ही वीडियो के जरिए उन्होंने कई बार ये दावा भी किया कि उनके लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन अब खबर है कि रमजान कादिरव को खुद यूक्रेन युद्ध में हार का डर सताने लगा है। उन्हीं कादिरव को जिन्होंने अपने लड़ाकों को हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देने का पाठ पढ़ाया, हमेशा ये सिखाया कि दुश्मन पर हमला ऐसे करो कि वो नेस्त नाबूद हो जाए। लेकिन यूक्रेन की 3 महीने तक खिंची जंग ने उनके सुर नरम कर दिए। बताया जा रहा है कि पुतिन को कुछ ही दिनों में यूक्रेन जीत लेने के सपने दिखाने वाले रमजान कादिरव को अब हार के सपने आने लगे हैं, और इसलिए अब वो खुद ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को जीत पाना एक मुश्किल काम है। असल में जब रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, तब ये माना जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही रूसी सेना को चेचन लड़ाकों का भी साथ मिल गया। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बड़ी संख्या में कादिरव के लड़ाके रूसी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। इसके बाद तो रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया। चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने कई बार इस तरह के ऐलान किए कि वो बस जीतने ही वाले हैं। लेकिन कादिरव ने जितना सोचा था वो उतना आसान हुआ नहीं। यूक्रेन की सेना ने उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, और कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली जंग 90 दिन के बाद भी जारी है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को नेटो समेत कई देशों से मिल रही मदद। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। रमजान कादिरव भी मानते हैं कि उनकी लड़ाई अब यूक्रेन से है ही नहीं, बल्कि वो और रूस तो नेटो से लड़ रहे हैं। यानी जिस यूक्रेन को वो हल्के में ले रहे थे, वो मदद मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया कि उसने पुतिन और कादिरव की नाक में दम कर दिया। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के साथ जंग में अब तक बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे गए, जिसने रमजान कादिरव की परेशानी और बढ़ा दी। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कादिरव ने खुलकर जंग के हालात पर अपनी चिंता जताई। इससे पहले भी वो पुतिन के नर्म फैसलों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। एक बार तो रमजान कादिरव ने साफ कह दिया था कि अगर पुतिन उन्हें और उनके लड़ाकों को खुली छूट दें तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को झुका देंगे। उधर डोनबास के बखमुत गांव में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया। आरोप लगाया गया कि रूस ने जानबूझकर वहां के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया और इतनी मिसाइलें बरसाईं कि वहां की सूरत ही बिगड़ गई। बिल्डिंगों पर बरसे गोलों ने उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा, तो उनके सामने गिरी मिसाइलों से तो वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसका असर पास के एक स्कूल पर भी पड़ा, जो हमले की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं उसके पार्क में मौजूद झूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस का हमला कितना जोरदार था। सड़कों पर खड़ी कारों की हालत तो कबाड़ के बराबर हो गई, उनमें सिवाय लोहे के ढांचे के कुछ बाकी नहीं बचा। वहीं पूरे इलाके में इसके बाद मलबे का ढेर लग गया, जिसे हटाने की कोशिश में कई लोग लगे नजर आए। वहीं रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोदोनेत्स्क पर हमले तेज कर दिए और आसपास के दूसरे शहरों से उसका कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। सेवेरोदोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के कुछ सबसे बड़े शहरों में एक है। कहा जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना ने वहां जीत हासिल कर ली तो यह उसकी बड़ी कामयाबी होगी। और पुतिन यूक्रेन के लुहांस्क इलाके पर कब्जा करने के अपने सपने के नजदीक पहुंच जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना सेवेरोदोनेत्स्क पर कहर बनकर टूटी।
उसने ना जमीन छोड़ी और ना आसमान, हर जगह से वहां बम बरसाए। कहा जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का इकलौता ऐसा शहर है जहां यूक्रेन की सेना ने पैर जमाए हुए हैं। इसी वजह से पुतिन की आर्मी का पूरा फोकस इस शहर पर है। जो खबरें आई उनमें दावा किया गया कि रूस वहां पर बिना रुके हमले कर रहा है। उसने सेवेरोदोनेत्स्क शहर के इंडस्ट्रियल एरिया को तो पूरी तरह तबाह कर दिया है। वहां आसमान से बम बरसाने के बाद जो धुआं उठा वो दूर से ही नजर आया। इसके अलावा सेवेरोदोनेत्स्क के रिहायशी इलाके भी रूस के सैनिकों के कहर से नहीं बचे। नौबत ही आ गई कि लोग जान बचाकर भागे। दावा किया गया कि रूस की आर्मी ने सेवेरोदोनेत्स्क को पूरी तरह अलग थलग करने की प्लानिंग कर ली और इसीलिए वो वहां तांडव कर रही है। रिहायशी इलाकों में तो इन हमलों की वजह से लोग भागने पर मजबूर हो गए। लोगों को बचाने में जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तो अपनी बातों से ये जाहिर कर दिया कि रूस वहां जीतने वाला है। कुछ लोग तो इतने हताश हो गए कि उनका गला भर आया। कहा जा रहा है कि रूस की सेना सेवेरोदोनेत्स्क का कनेक्शन लुहांस्क के दूसरे शहरों से काटना चाहती है। अपनी इसी रणनीति को कामयाब करने के लिए एक दिन पहले उसने शहर के पास बनी नदी पर बना पुल उड़ा दिया था।